नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरेंजन, हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य रूप से यूपीटीईटी की एक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। ये प्रारंभिक अवस्था होती है जिस एग्जाम को हमें इसे पास करना होता है। तो पिछले एपिसोड की अगर बात करते हैं तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की बात की थी। अर्नेस्ट हैकल महोदय के द्वारा पारिस्थितिकी की संकल्पना दी गई और आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई। अगर हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी होती क्या है, तो पारिस्थितिकी में मैंने बताया था कि जीव जगत है, जो सजीव जगत है, उनका अध्ययन जो है हम उनके निवास स्थान के आधार पर करते हैं। जबकि आर्थर जॉर्ज टांसले महोदय के अनुसार दी गई संकल्पना पारिस्थितिकी तंत्र में यह बताया गया था आपको कि जो जैविक घटक और जो अजैविक घटक हैं, उनका आपस में इंटरकनेक्शन होता है, इंटरलिंक होता है, अंतर संबंध होते हैं। एक दूसरे के बिना उनका जीवन संभव नहीं है, इस पृथ्वी पर उनका स्थायित्व संभव नहीं है। इसी के आगे की कड़ी है एपिसोड 3A, और इसमें हम बात करेंगे कि जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, इस पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, और अगर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात की जाती है तो इसके घटक हैं, एक घटक जो पर्यावरण के घटक होते हैं, सेम टू सेम वही है, जैविक घटक, जैविक घटक जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और दूसरा जो है ये है आपका अजैविक घटक, अजैविक घटक, और अजैविक घटक को हम क्या नाम देते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, एक जैविक घटक और दूसरा आपका अजैविक घटक। अगर हम यहां पर जैविक घटकों की बात करते हैं, सीधी सी बात, सजीव होंगे तो जैविक घटकों के अंतर्गत हम यहां पर बात करते हैं उत्पादक की, जिसको हम इंग्लिश में प्रोडक्टर कहते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, और प्रोडक्टर मतलब उत्पादक, उत्पन्न करने वाले को हम उत्पादक कहते हैं। उसके बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर, और फिर उसके बाद आता है अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स, इनकी बात करते हैं। जैविक घटकों में हम बात करते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता की, और वहीं अगर हम अजैविक घटकों में बात करते हैं तो यहां पर बात होती है कार्बनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक हो गया, कार्बनिक पदार्थों की, और साथ ही साथ अकार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, साथ ही साथ में जलवायु कारक, क्लाइमेट फैक्टर, जलवायु कारक की बात होती है, ठीक है। तो ये आपके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में एक आपका जैविक घटक है, तो दूसरा आपका कौन सा घटक है, तो दूसरा आपका है अजैविक घटक, ठीक ना। इन्हीं का आज इस एपिसोड में हमें इन्हीं का अध्ययन करना है, और अध्ययन से पूर्व आपको कुछ बातें समझा देते हैं, अच्छे समझिएगा। भटकाव की स्थिति, दो तीन बातें आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। इतने लंबे समय से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे मुझे, और जो नहीं जानते हैं वो अभी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है
और कैसे आपको समझाई जाती हैं चीजें जो आपसे प्रॉमिस किए जाते हैं किसी भी टीचर के माध्यम से, चाहे रवि सर के माध्यम से, किसी भी टीचर के माध्यम से जो आपसे प्रॉमिस किए जाते हैं वो प्रॉमिस आपको बखूबी वो प्रॉमिस निभाए जाते हैं, चाहे वो डाउट सेशन हो, प्रैक्टिस हो, आपके पास नोट्स भेजना हो, आपके पास जो बोलते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर भेजना हो या फिर मैराथन क्लास हो, सब कुछ आपको कराया जाएगा, ठीक ना। और यहां से इस संस्थान से पढ़ने वाले बच्चों ने यूपीटीटी की परीक्षा में 130, 132, 135 नंबर तक लाए हैं, है ना। लेकिन 130, 135, 132 नंबर वही बच्चा ला सकता है, वही बच्चा ला सकता है जिसके अंदर एकाग्रता होती है, जो ठान लेता है कि मुझे पढ़ना है। पहली बात तो ये कि अपने आप में एकाग्रता लाइए, दूसरी बात ये कि भटकाव की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा। आप यहां वहां मत देखिएगा, आपको जिस संस्थान पर भरोसा है, आपको अपने संस्थान पर भरोसा है, आप अपने ही संस्थान में रहिएगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि यहां पर बेस्ट टीचर हैं, इतने अच्छे बेस्ट टीचर जो एकदम फ्रेंडली हैं, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कभी भी एग्जाम की प्रतीक्षा मत कीजिएगा कि एग्जाम का फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर मैं फॉर्म भरूंगा। अभी आपने हाल ही में देखा कि टीजीटी पीजीटी, जिसकी बहुत बार चर्चा हो चुकी थी कि आएगी नहीं आएगी, अचानक से वैकेंसी आ गई। 31 अक्टूबर सब लोग सोच रहे थे, लेकिन वो 29 अक्टूबर को ही वैकेंसी आ गई। अब जो लोग पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, अब अपनी तैयारी वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा वो उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए विचारिए मत, यदि आप यूपीटीईटी क्वालिफाई नहीं है और आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो उठाइए फोन और लगाइए इस नंबर को, इस नंबर को लगाइएगा, फोन ही लगाना है इस नंबर पर। अगर व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर आपको एंट्री टीईटी लिखकर भेज देना है, एडमिशन की प्रक्रिया, एडमिशन की फीस, किस अकाउंट में पैसा डालना है, सारी चीजें हमारे काउंसलर्स आपको समझा देंगे, ठीक ना, सारी चीजें वो आपको समझा देंगे। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर 9005815849, इस नंबर पर आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से एंट्री टीईटी लेकर भेज देना है, सारी चीजें आपको समझा दी जाएंगी। दो बातें हो गई, पहली एकाग्रता, दूसरी भटकाव की स्थिति मत उत्पन्न होने दीजिएगा, और तीसरी कि कभी भी नोटिफिकेशन के आने का इंतजार, फॉर्म आने का इंतजार मत कीजिएगा, कभी भी इनका इंतजार नहीं किया जाता है, कभी भी आ सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि नवंबर में स्टार्ट होना है, हो सकता है उसके पहले ही आ जाए। तो आप पर, आपको एग्जाम देना है, सरकारी नौकरी चाहिए, मास्टर बनना है, अध्यापक बनना है, अपना समाज में एक रुतबा कायम करना है, प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तो तुरंत इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे टीचरों से मार्गदर्शन लीजिएगा और निश्चित आप सफलता को ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में मिलते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इसी प्रकार से फिर तैयारी कराई जाएगी। चलिए तो यहां पर आते हैं हम आपको ये बता रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं इकोलॉजिकल सिस्टम के, उनको हमने दो भागों में बांटा, एक जैविक और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा जैविक। जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटक में सबसे पहले आता है हमारा उत्पादक। जैविक घटक में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादक की, ठीक ना, समझिएगा। प्रोडक्ट, उत्पादक क्या बोलते हैं, प्रोडक्टर बोलते हैं। उत्पादक जो होते हैं इनके अंतर्गत जीव नहीं शामिल है, बल्कि इनके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे शामिल हैं। कौन शामिल है, हरे पेड़ पौधे। तो उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं और यह हरे पेड़ पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो ऐसे पेड़, ऐसे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, और अपने भोजन का निर्माण स्वयं कौन करता है, पेड़ पौधे। क्या मानव नहीं करता, मानव करता है, हम और आप भी खाना बनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से खाना हम नहीं बनाते हैं। प्राकृतिक, हम अनाज उगाते हैं, अनाज उगता है, तो अनाज उगने की जो प्रक्रिया है वही उत्पादक है। और अनाज किस प्रक्रिया के माध्यम से उठेगा, जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा,
क्लोरोफिल सॉरी पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तब कहीं जाके किसी पौधे से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अब हम अगर यहां पर समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, इस बात को अगर यहां पर समझते हैं तो देखिएगा 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु आपस में क्रिया करते हैं सनलाइट और पर्णहरिम की उपस्थिति में, ये क्या करते हैं, पर्णहरिम की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और निर्माण करते हैं C6H12O6 का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ में 6 अणु ऑक्सीजन के बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ में 6 अणु जल का बाहर निकालते हैं, ठीक ना। ये प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। यहां पर जो C6H12O6 का निर्माण हुआ है यह क्या है, यह ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक प्रकार की एनर्जी है और इस एनर्जी को समस्त जीव जंतु ग्रहण करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव जंतु प्रत्यक्ष रूप से ही ग्रहण करे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इस ऊर्जा के कारण ही उनके शरीर में नए ऊतकों का क्या हो जाता है, नए ऊतकों का निर्माण हो जाता है। हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्यों कहा, मान लीजिएगा कोई पौधा है, पौधे से फल का निर्माण हुआ और उस फल को या पत्ती का निर्माण हुआ, प्रकार पौधे में पत्ती लगी, उस पत्ती को हिरण ने खा लिया और शेर ने हिरण को खा लिया। तो शेर प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है हिरण पर, और हिरण प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, तो वो निर्भर है पत्तियों पर। अगर पत्ती ना होती तो शायद वहां पर हिरण लंबे समय तक जीवित ना रहता, है ना। और जब हिरण जीवित नहीं रहता तो सीधी सी बात है शेर भी जीवित नहीं रहेगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जीव जगत इस ग्लूकोज, इस एनर्जी या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर ही निर्भर है, समझेगा ना। यहां देखिए एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं, ये 6 अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं और 12H2O के अणु, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो जब इनको ग्रहण किया जाता है तो इसे हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है, तो अपचयन का मतलब ग्रहण कर लेना, तो अपचयन किसका होता है, CO2 का, और CO2 का तो अपचयन होता है। साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, तो इस ऑक्सीजन का उपचयन हो जाता है, और उपचयन को इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उपचयन को इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये जो ग्लूकोज है, मानव भी इसे ग्रहण करेगा, जीव जंतु भी इसे ग्रहण करेंगे, और साथ ही साथ जो यहां से ऑक्सीजन निकल रही है उस ऑक्सीजन को मानव या जीव जंतु ग्रहण भी करेगा। क्यों ग्रहण करेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के मानव जीवन या जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है, श्वसन की प्रक्रिया होना संभव नहीं है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उपचयन और किसका अपचयन होता है, क्रमशः पूछ रहा, उपचयन ऑक्सीजन का, अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ ही साथ में अगर ऑक्सीजन यहां पर नहीं देगा ऑप्शन में, तो जल देगा, जल का उपचयन हो रहा है और यहां पर जल का अपचयन हो रहा है। तो चूंकि जल तो दोनों साइड, इसलिए वो जल नहीं पूछता है आपसे, बोले तो ऑक्सीजन पूछता है या फिर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है, या तो ऑक्सीजन पूछता है या क्या पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछता है। तो एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और पेड़ पौधे जब अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं,
तो इनको एक नाम दिया जाता है और नाम दिया जाता है स्वपोषी। क्या नाम दिया जाता है? स्वपोषी। तो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात उत्पादक पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो उत्पादक हैं वो क्या होते हैं, वह आपके स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बात क्लियर है? तो पहला चरण हुआ जिसमें हम लोगों ने किसका अध्ययन किया, उत्पादक का, प्रोडक्ट का, प्रोडक्टर जो होता है उसका हमने अध्ययन किया। अब आइएगा उत्पादक के बाद हम चलते हैं उपभोक्ता पर। अगर हम उपभोक्ता की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है, इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता के अंतर्गत जो है वो जीव जंतु शामिल है। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन शामिल है? तो उपभोक्ता के अंतर्गत जीव जंतु शामिल है। और ये जीव जंतु जो है यह अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, बल्कि उत्पादक से ग्रहण करते हैं। बल्कि उत्पादक से क्या करते हैं? बल्कि उत्पादक से ग्रहण करते हैं। चूंकि अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु हम पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं से पेड़ पौधों से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, तो इनके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम, और इनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है परपोषी। तो समस्त जीव जंतु हम और आप किसके अंतर्गत आते हैं? तो हम और आप परपोषियों के अंतर्गत आते हैं। हम और आप उपभोक्ता हैं, और उपभोक्ता अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, इसलिए उपभोक्ता को क्या नाम दे दिया गया? नाम दे दिया गया परपोषी। क्या नाम दिया गया? परपोषी। अब देखिएगा उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता के प्रकार और उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। चलिए यहां पर उपभोक्ता हो गए आपके, और यहां पर मैं लिख लेता हूं उत्पादक, यहां पर मैं लिख लेता हूं उत्पादक। अच्छे समझिएगा, उत्पादक, उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरे पेड़ पौधे। प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएंगे? जैसे इसके अंतर्गत आती है गाय, हिरण, भैंस, बकरी, खरगोश, खरगोश, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। आप देखिएगा चाहे गाय हो, हिरण हो, भैंस हो, बकरी हो, खरगोश हो, ये सभी जो है शाकाहारी है, ये सभी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, घास पर निर्भर हैं। तो ये सभी पेड़ पौधे या घास पर निर्भर हैं, अर्थात किस पर निर्भर हैं? अर्थात उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? वह आपके शाकाहारी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा याद रखिएगा शाकाहारी होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण किसको करते हैं? तो पेड़ पौधों को वो क्या करेंगे? भोजन के रूप में अपने ग्रहण करेंगे। पेड़ पौधों को भोजन के रूप में क्या करते हैं? तो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम अब बात करते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं, तो मान लीजिएगा भेड़िया है आपका, आपकी बिल्ली है मान लीजिएगा,
भेड़िया है आपकी, बिल्ली है आपकी, ठीक ना, सांप है आपका, कुत्ता है आपका, ये सभी ये शाकाहारी नहीं होंगे। बिल्ली कुत्ता ये तो अपवाद है, अपवाद इसलिए सर्वाहारी में भी आते हैं, ये सर्वाहारी में भी आते हैं इसलिए अपवाद हैं। ऐसे मान लीजिए भेड़िया है या सांप है, तो भेड़िया पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं रहेगा, ये भेड़िया गाय को खा सकता है, हिरण को खा सकता है, भैंस को खा सकता है, बकरी को खा सकता है, किसको खा सकता है, खरगोश को खा सकता है। हरम हम ये तीन मिटा देते हैं क्योंकि अपवाद है, ये अपवाद है, ठीक ना। तो द्वितीयक उपभोक्ता में मान लीजिएगा हमने भेड़िया को रख दिया, तो ये भेड़िया जो होगा यानी द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता है, प्राथमिक को ग्रहण करता है, और प्राथमिक के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं, इन जीव जंतुओं को ग्रहण करेगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा, ये द्वितीयक उपभोक्ता कैसा हो जाएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता आपका मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी। तो अगर आपसे बात की जाए कि प्राथमिक उपभोक्ता किस प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जाए तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। वही अगर तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता में जैसे आपका शेर हो गया, जैसे आपका बाज हो गया, है ना, जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ हो गया, तो ये सभी कैसे हो जाएंगे तृतीयक। भेड़िया को बाज शेर खा सकता है, खा सकता है ना, तो ये क्या हो गया, ये तृतीयक। और तृतीयक उपभोक्ता भी किस प्रकार का उपभोक्ता हो जाएगा या किस प्रकार का हो जाएगा, तो यह भी मांसाहारी होता है। समझाने की कोशिश में ही कर रहा हूं कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होंगे जो साग पत्तों घास पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तृतीयक को कौन खाएगा, सॉरी, द्वितीयक को भोजन के रूप में कौन ग्रहण कर लेगा, तो द्वितीयक को तृतीयक कर लेगा, और द्वितीयक किसे कर लेगा, द्वितीयक प्राथमिक को कर लेगा, और प्राथमिक किसको ग्रहण कर लेगा, तो प्राथमिक उत्पादक को ग्रहण कर लेता है। ये श्रृंखला चलती है, इस श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं, अभी मैं आगे समझा रहा हूं। तो कोई भी उपभोक्ता होगा वो किसी दूसरे उपभोक्ता को ग्रहण करेगा। अब जैसे यहां पर तृतीयक है, तो तृतीयक के आगे सर्वाहारी आ जाएगा, तृतीयक के आगे उच्च मांसाहारी लिख लीजिएगा आप, उच्च मांसाहारी, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, मानव है, ठीक ना। तो ये जो सर्वाहारी होते हैं या जो उच्च मांसाहारी होते हैं वो अधिकांशतः मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक पर कौन निर्भर है द्वितीयक, और द्वितीयक पर कौन निर्भर है, तो द्वितीयक पर निर्भर है आपका तृतीयक उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता। चलिएगा अब यहां पर देखिएगा, मान लीजिएगा मैं यहां पर अब खाद्य श्रृंखला आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिएगा यहां पर घास है, तो इस घास को मान लीजिएगा खरगोश ने खाया, इस खरगोश को मान लीजिएगा भेड़िया खा गया, और इस भेड़िया को मान लीजिएगा शेर खा गया, ठीक ना। चलिए फिर से हम कहते हैं कि मान लीजिएगा यहां पर घास है, इस घास को मान लीजिएगा मेढक खाता है, मेढक, इस घास को कौन खा जाता है, तो इस घास को मान लीजिएगा मेढक खा जाता है, घास को मेढक खा जाता है, और मेढक को कौन खा जाता है, मेढक को मान लीजिएगा सर्प खा जाता है, और सर्प को मान लीजिएगा कौन खा जाता है, तो सर्प को मान लीजिएगा बाज खा जाता है, बाज था ना, चील। मान लीजिएगा यहां पर घास या शैवाल है, यहां पर घास या शैवाल है, इस शैवाल को कौन खा जाता है, छोटी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली को कौन खा जाएगी, बड़ी मछली। सुना है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार कर ले जाती है, और बड़ी मछली को कौन खा जाएगा, बगुला। यहां पर बड़ी मछली से मतलब ना तो मेला होल मछली से, ना सील से, ना सार्क से, ना डॉल्फिन से, छोटी सी मछली है उसको, उससे बड़ी मछली खा जाएगी, और उस बड़ी मछली को उससे भी बड़ी मछली, और उसको बगुला, ठीक ना। तो ये श्रृंखला बन गई, इस ऐसी श्रृंखलाओं को हम खाद्य श्रृंखलाएं कहते हैं। मतलब है कि जब उत्पादक को प्राथमिक, प्राथमिक को द्वितीयक, और द्वितीयक को
तृतीया को उपभोक्ता ग्रहण कर लेते हैं तो एक सीरीज का निर्माण हो जाता है, एक चेन का निर्माण हो जाता है। इस चेन में को खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन है यहां पर हो क्या रहा है, तो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो है यहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। किसका स्थानांतरण हो रहा है, तो यहां पर जो स्थानांतरण हो रहा है वो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। घास से ऊर्जा गई खरगोश के पास, खरगोश से जाती है भेड़िया के पास, और भेड़िया से जाती है किसके पास, भेड़िया से जाती है शेर के पास, है ना। घास से ऊर्जा मेढक के पास गई, मेढक से ऊर्जा सर्प के पास गई, और सर्प से ऊर्जा किसके पास चली गई, बाज के पास। घास शैवाल से ऊर्जा छोटी मछली के पास गई, छोटी मछली से ऊर्जा बड़ी मछली के पास, और बड़ी मछली से ऊर्जा किसके पास चली गई, बगुला से। बड़ी मछली के बाद ऊर्जा कहां चली गई, बगुला से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का एक प्रकार का स्थानांतरण है। खाद्य श्रृंखला में होता है, खाद्य श्रृंखला डैश होता है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो निम्न से उच्च पोषण स्तर की ओर होगा, निम्न से उच्च उपभोक्ता की ओर या पोषण स्तर की ओर, उपभोक्ता की ओर। क्वेश्चन पूछा गया टीटी में, खाद्य श्रृंखला का स्थानांतरण होता है तो निम्न से उच्च, खरगोश से प्राथमिक से बड़ा द्वितीयक, द्वितीयक से बड़ा तृतीयक, प्राथमिक से बड़ा द्वितीयक, और द्वितीयक से बड़ा क्या हो जाएगा, तृतीयक, समझ गए ना। तो जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा के स्थानांतरण को, इस माध्यम को क्या नाम दिया गया, खाद्य श्रृंखला, इंग्लिश में बोले तो फूड चेन नाम दिया जाता है। खाद्य श्रृंखला या क्या नाम दिया जाता है, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार हो रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या चक्रीय स्थानांतरण हो रहा है, क्या बहुपद में स्थानांतरण हो रहा है, मतलब कि घास से ऊर्जा खरगोश के पास, घास से ऊर्जा भेड़िया के पास, घास से ऊर्जा शेर के पास जा रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। चक्रीय रूप में हो रहा है, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश भेड़िया खाएगा, भेड़िया को शेर खाएगा, शेर को फिर घास खा लेगा, ऐसा तो भी नहीं है, चक्र के रूप में नहीं है, बल्कि एक रेखा में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, एक रेखा में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, घास से बगुला, बगुला से भेड़िया, क्रम से स्थानांतरण, एक पायदान से दूसरे पायदान पर बढ़ रहे हैं, एक पायदान से जब दूसरे पायदान पर बढ़ेंगे तो इसको नाम दिया जाता है एकल, एकल दिशा में, एकल दिशा या एक दिशीय, एकल दिशा या एक दिशीय, एक दिशीय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, ठीक ना। चलिए अगली बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी खाद्य श्रृंखला को मैं गड़बड़ कर रहा हूं, बताइए बाबू, क्या शेर खरगोश को नहीं खा सकता है, क्या बाज डायरेक्ट मेढक को नहीं खा सकता है, क्या बगुला डायरेक्ट छोटी मछली को नहीं खा सकता है, खा सकता है, खा सकता है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तृतीय को उपभोक्ता द्वितीय को भी ग्रहण करेगा और तृतीय को उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को भी ग्रहण कर सकता है। तृतीयक उपभोक्ता न केवल द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण कर सकता है बल्कि द्वितीयक उपभोक्ता के साथ साथ वो तृतीयक उपभोक्ता को भी क्या कर सकता है, तृतीयक उपभोक्ता को भी ग्रहण कर सकता है। चाहे वो द्वितीयक को ग्रहण करे चाहे तृतीयक को, रहेगा हमेशा कैसा, तो रहेगा हमेशा मांसाहारी, रहेगा हमेशा कैसा, मांसाहारी, ठीक ना। अब देखिएगा, तो ये खाद्य श्रृंखला हो गई, हमने आपको बताया कि जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला में संपूर्ण संपूर्ण ऊर्जा का केवल 10%, केवल 10%, यानी जब उत्पादक को, ऐसे समझ ले, यानी जब उत्पादक को प्राथमिक खाएगा
तो उत्पादक के पास जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का 10% ही जाएगा। किसके पास? प्राथमिक के पास। अब प्राथमिक के पास जब उसने खाना खा लिया, घास खा ली, तो प्राथमिक के पास जो भी स्टोरेज एनर्जी है, जो भी भंडारित ऊर्जा है, उस भंडारित ऊर्जा का केवल 10% द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाएगा। कब? जब द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। और द्वितीयक उपभोक्ता किसे? जब तृतीयक उपभोक्ता इसको ग्रहण करेगा। किसे? तृतीयक उपभोक्ता। जब द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करेगा तो द्वितीयक उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जा होगी उस ऊर्जा का कितना प्रतिशत जाएगा? तो 10% जाएगा। इस नियम को 10% का नियम कहा जाता है और यह नियम लिंडमान नामक महोदय ने दिया, इसलिए इस नियम को लिंडमान का नियम भी कहते हैं। ठीक ना, 10% ऊर्जा जाती है, इसे 10% का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको नाम दिया जाता है 10% का नियम। और 10% का नियम लिंडमान नामक महोदय ने दिया, इसलिए इसे लिंडमान नियम भी कहा जाता है। लिंडमान नियम। ठीक ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो लिंडमान साहब थे, लिंडमान महोदय थे, जिन्होंने नियम दिया। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर लगभग 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और केवल 10% ऊर्जा ही ग्रहण हो पाती है। यदि आप लोग चिकन वगैरह मटन वगैरह खाते हैं तो मुर्गे के अंदर जो भी स्टोरेज ऊर्जा है, आपको लगता है कि अब वो पूरी आपको मिल जाएगी? नहीं मिलती है। अगर मुर्गे की पूरी ऊर्जा आपको मिल जाए तब तो आप उड़ने लगेंगे ना मुर्गे की तरह, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो जैसे ही मुर्गे को काटा जाता है, उसे मारा जाता है, तो उसकी 90% ऊर्जा तो तुरंत खत्म हो जाती है। केवल कितनी बचती है? 10%, वही हमें और आपको प्राप्त हो पाती है। हमें और आपको मतलब है, यदि आप खाते हैं तो आपको प्राप्त होगी, जो कोई भी खाएगा उसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने बात कर ली अपनी उत्पादक उपभोक्ता की, अब आते हैं अपघटनकर्ता, जिनको इंग्लिश में हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। अगर बात की जाए अपघटनकर्ता की, अपघटनकर्ता, तो बाबू जो अपघटनकर्ता होते हैं डिकम्पोजर्स, ए मृत जीव जंतु, मृत जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मृत जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मृत जीव जंतु को किसके रूप में ग्रहण करते हैं? तो मृत जीव जंतुओं को ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मान लीजिएगा कोई आपके पास एक गाय है, गाय मर गई है, एक गाय है, गाय मर गई है, तो गाय जब मर जाती है तो उसे हमारे हिंदू धर्म में जलाने की कोई प्रथा नहीं है, ना उसे हम पानी में बहाते हैं, पानी प्रदूषित हो, उसे हम खुले जगह में छोड़ देते हैं। जब आप उसे खुली जगह में छोड़ देते तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया नहीं होता है, केवल विषाणु है ना, सॉरी जीवाणु और कवक, जीवाणु है, कवक है, चूहा आपका, कुत्ता है, बिल्ली है, बाज है, ये सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है बेसिकली, तो सूक्ष्म जीव जो है ये मरे हुए इस पदार्थ को, मरे हुए जीव जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद उन्हें ऊर्जा मिलती है। यदि ये पदार्थ जो है, ये गाय जो है मर गई है, यदि ये खुले जगह में पड़ी रहेगी तो ये सड़ेगी, गलेगी, जिसके कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जो अपघटनकर्ता होते हैं, अपघटनकर्ता जैसे जीवाणु, जैसे कवक है ना, जीवाणु, कवक, फफूंद, ये क्या करते हैं? ये इसको खा लेते हैं, मरे हुए पदार्थों को खा लेते हैं, और जब ये भोजन के रूप में मृत जीव जंतुओं को ग्रहण करते हैं तो मृत जीव जंतुओं को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण जहां पर ये पड़े होते हैं, जिस प्रकृति में, जिस पर्यावरण में पड़े होते हैं, उस पर्यावरण, उस प्रकृति की क्या कर देते हैं? प्रकृति की सफाई कर देते हैं,
इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई करता या प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। सफाई करता या प्रकृति का सॉर्बेंट यानी पृथ्वी का मेहतर कहा जाता है। मेहतर एक निम्न कोटि के लोग होते हैं गांव वगैरह में, जो गांव को साफ करने का कार्य करते हैं, नाली वगैरह मलमूत्र को साफ करने का कार्य करते हैं। पहले होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। हालांकि एक को प्रथा भी है, मानो मानो बराबर है भाई, ठीक ना, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा आज भी है। तो साफ सफाई का कार्य इन्हीं लोगों का होता था, और प्रकृति के साफ सफाई का कार्य जीवाणु कवक को दिया गया। इसलिए जीवाणु और कवकों को क्या नाम दे दिया गया? प्रकृति का मेहतर नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? तो इनको नाम दे दिया गया प्रकृति का मेहतर। ठीक है, बोलेगा बात क्लियर है। आइएगा अब आगे चलते हैं। तो आगे अगर देखिएगा तो यहां पर हमने तीनों फैक्टर की बात कर ली। अब यहां पर अजैविक घटकों में बात करें तो कार्बनिक अकार्बनिक की बात करें तो जल, वसा, लवण या पोषक तत्व, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के क्या है? घटक हैं। जलवायु कारकों में बात करें तो वर्षा, अगर वर्षा नहीं होगी तो पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा, वनस्पति नहीं उगेगी, तो पेड़ पौधों कहाँ से आएंगे, है ना। तो वर्षा है, तापमान है और प्रकाश है, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जलवायु। तो इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये हालांकि साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और साथ ही साथ आपको फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता है कि UPTET का टर्व तालुक ऑनलाइन स्टूडेंट में बैच प्रारंभ हो रहा है। आपके सहयोगी जो भी हों, आपकी जानकारी में आपके रिश्तेदार, जरूर उन्हें यहाँ पर लाइए। और एडमिशन का प्रोसेस सीधा सा है, इस नंबर पर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 9005815849, इस पर आपको UPTET लिखकर भेज देना है। एडमिशन संबंधित पूरी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।